देखिए छत्तीसगढ़ के जहाँ बात है, केवल एंटी इनकम्बेंसी कारण नहीं रहा, इसमें मुख्य भूमिका रही कांग्रेस के संगठन की। हम लोगों ने जब मुझे अध्यक्ष बनाया, साथियों से मैंने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सरकार में है और जब चुनाव आएगा तो 15 साल पूरा हो चुका होगा। इनकी जड़ें बहुत गहरी है, इनके पास अनुभव भी है, इनके पास संसाधन भी है, इनके पास तिकड़म करने वाले लोग भी हैं, षड्यंत्रकारी लोग भी हैं, और उससे पार पाना एक कठिन चुनौती हमारे सामने है। सब साथियों से चर्चा हम लोगों ने की, उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, फिर सब जब ट्रेनिंग की बात हम लोग किए कार्यकर्ताओं को, ट्रेनिंग देंगे तो लोग बोलते थे कांग्रेस तो मास बेस्ड पार्टी है, कैडर उडर नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये महात्मा गांधी की पार्टी है, महात्मा गांधी ने 69 संगठन बनाया था और सबको प्रशिक्षित करते थे वो, तो ये शुरू से हमारी पार्टी है वो कैडर बेस रही है। लोग बाद में बोलते गए कि मास बेस पार्टी, जब बड़े लीडर आए, नेहरू जी जब चुनाव लड़े, इंदिरा जी चुनाव लड़ी, राजीव जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ गया तो ये मास लीडर थे, तो लोग कहने लग गए ये मास बेस पार्टी है। जबकि शुरू से आप देखेंगे सेवा दल का निर्माण हमारा पहले हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा एक नया ढांचा पूरा देश में खड़ा हुआ। तो ये जो पार्टी में कैडर तो थे ही, उसको हमने लोगों ने ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया। और हम लोगों ने पहले छोटे रूप में हमने किया, करीब एक विधानसभा 70-75 लोगों को बुलाते थे और उसको ट्रेनिंग देते थे, पूरे 90 विधानसभा में किया। फिर हमने बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का चयन किया, सारे बड़े लीडर उसमें गए, पुनिया जी तक बूथ के कार्यकर्ता बनाने में हमारे प्रभारी, मैं नहीं समझता कोई महामंत्री और प्रभारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी वो बूथ में जाके बूथ बनाने काम करे, लेकिन किए। यहाँ प्रदेश के जितने नेता हैं वो सब लोग बूथों में गए और सब लोगों ने काम किया और बूथ बना के फिर उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया पूरे मई के दोपहरी में, जहाँ यहाँ 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ बैठ के बूथ के बनाने काम, उसे ट्रेनिंग देने काम ये जब किए, तो वो जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो हमको ये विश्वास हो गया था अब हम इसको हरा देंगे। तो ये केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ये हमारे संगठन की ताकत भी थी। ये आपने अच्छा थोड़ा सा विस्तार से बताया, मैं थोड़ा इसको एक और पॉइंट प्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी की चुनाव लड़ने की मशीन की बड़ी चर्चा होती है। आपने अपने राज्य में किया और आपने डिटेल में समझाया कि कैसे किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुझे एक जो दिक्कत नज़र आती है, आप थ्योरी में ठीक कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई वैसा मास पार्टी नहीं है कि कैडर के बिना बस मासेस के बल पे ही हारे या जीते। कांग्रेस को लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जब बूथ वाइज मैनेजमेंट का सवाल आता है तो बीजेपी एक मेरा बूथ सबसे मजबूत उस तरह का कार्यक्रम चलाती है। कांग्रेस को ये रहता है कि पब्लिक का मूड खराब होगा तो आके हमको वोट दे देगी, तो एक एक वोटर को लेके आने की जो कवायद है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की बाकी पार्टियां भी कमज़ोर पड़ती हैं। यही कारण है कि 1500 से हारने जीतने वाली सीटें दर्जनों में निकली हैं सारे राज्यों में। ये मुझे कांग्रेस की एक बड़ी कमज़ोरी अभी भी नज़र आती है, बाकी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी राज्यों मैं दूसरे राज्यों की बात में नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने बूथ में कैंडिडेट तैयार किया। आप इसी रायपुर शहर में, राजधानी में, हमारे बहुत सारे बूथ में हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठते थे जिस दिन पोलिंग होता था। इस समय पूरे प्रदेश में ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं रहा जिसमें हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठे होंगे और जहां पोलिंग बूथ के बाहर हमारे कार्यकर्ता ना रहे। और इसी कारण से देखिए रायपुर जैसे शहर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 में से 3 सीट जीतती रही, इस समय हम लोग 4 में से 3 जीते। जितने शहरी क्षेत्र हैं जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत है, सारे शहरी क्षेत्र देख लीजिए हम लोग जीते हैं। एक नांदगांव छोड़ दीजिए, वजह सब जितने भी शहर हैं सब में हम लोग जीते हैं।